हाय सॉरी हाँ विवेक विशाली कैन आई सीट विशाली मैं बैठ जाऊँ और अब आप बैठ ही गए हो तो पूछ क्यों रहे हो अच्छा पूछ क्यों रहा हूँ फिर वैसे वैशाली आप बहुत अच्छी लग रही हैं ये बात आप कितनी लड़कियों को बोल चुके हो और सच बताऊँ तो आप 10वीं हैं अभी नहीं नहीं 12वीं हैं सॉरी बहुत सारी लड़कियों को मैं बोलता हूँ क्या पता 15वीं नहीं नहीं वो नहीं निकलेगी आराम से खाइए ना कोई दिक्कत नहीं है हाँ खा लेंगे पहले आप खाइए नहीं पहले मैं खाऊंगी तो मैं खा जाऊंगी मतलब जूठा नहीं खाओगी क्या मेरा क्यों आज कोई कॉमेंट चल बेटा कुछ नहीं होने वाला वैसे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके इतनी मेहनत करी है तो अच्छे तो लगने चाहिए पैसे खर्च कराए हैं कितने खर्च नहीं करा फिर से कर कहाँ इंडिया से ही हो कितने बाहर से हो आपको क्या लगता है मुझे तो लग रही है आप दुबई से इंपोर्ट हुई होंगी वैसे कहाँ से हैं आप फ्रॉम इंडिया फ्रॉम दिल्ली दिल्ली से ही हैं बॉर्न एंड बॉटम हाँ कहाँ से हैं वैसे हरियाणवी हो पंगा मत लेना कोई नहीं बेटा यूपी लखनऊ से हैं नवाब हैं वो भी तो पंगा वंगा तो हमारे ज़िंदगी में लिखा ही है हमारे कुंडली में शनि हमेशा रहता है अब ये मनाओगे मैं तुम्हारी कुंडली में ना बैठ जाओ नहीं तो दिक्कत कुंडली में से पानी से बैठने देती नहीं अरे मैं बना लूँगा जी नहीं, नहीं, बहुत अच्छा छोड़ो ना क्या करते हो बताओ सच बताओ चलो बता दो मेरा जानने का मेरी इच्छा हो रही है अदरवाइज मैं दोबारा पूछूंगा मैंने क्या करते हो बताओ बता दो ना मेरा जानने की इच्छा है छोड़ो मुझे वो कुछ नहीं जानना है बस सीए हो ना ये बताओ अरे साला सीए हो बे एक बार हाई से करो ना फिर से ऐसे क्योंकि मैं फेल हूँ ना इंटर इंटर फेल हो अब तुम पास करवा दो ना नहीं थोड़ा देना वैशाली सच बताऊँ ना मेरी एक ऐसी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी सेम टू सेम आप जैसी थी वो और वो आप बहन भी होगी कोई मेरे जैसी यार बहन बात यहाँ बहन का मुद्दा ही नहीं है ना नहीं तो बहन होना कोई बुरी बात थोड़ी ना अच्छी बात है लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे तो मैं मुझे पता है आप कुछ नया बताएं मैं कुछ नया बताऊं आपका जो देसीपन है अलहड़पन है ना वो बहुत मुझे छूता जा रहा है वैसे मैं सक्सेसफुल बहुत हूँ चाहूँ तो मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड बन सकती हैं बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बनाऊँ बाकी मैं टैलेंटेड बहुत हूँ दिल करे तो आजमा लूँ चाहे मैं डांस तुम्हें आ रहा हील छपरा हील बोली तुमने जो बोला यार मैंने वो कर दिया देखो बंदे कॉन्फिडेंस देखो बंदे का आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो कॉन्फिडेंस पसंद नहीं आया कॉन्फिडेंस तो फिर यार इससे बड़ी चीज क्या चाहिए यार ये कॉन्फिडेंस से थोड़ी चलते हैं ये तुम्हें छूने का बहाना था वैसे अच्छा ये बताओ वैसे मैं ना क्यों बताऊं क्योंकि मुझे शादी करनी है तुमसे मुझे नहीं करनी तुमसे बट मुझे करनी है मुझे नहीं करनी हम लखनऊ वाले हैं हमको आप कह के इज्जत किया करो चाहे तेल दे हम दिल्ली वाले हमें इज्जत उन्हीं को देनी आती है जबकि इज्जत नहीं मुझे आपकी इज्जत नहीं चाहिए आप अपनी इज्जत अपने पास में रखो भगवान ना करे आप हमें अपनी इज्जत दो ठीक है मैं खुश हूँ अपनी इज्जत में तुम्हें कोई देखता होगा तो शर्माता होगा मुझ जैसा लड़का होगा तो दीवाना होता होगा एक बार पलके तो झुकाओ तुम्हारे इस अलहनपन से कोई ना कोई तो प्यार करता होगा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा ऑनेस्ट झूठ बोल रही हो साला यार तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ नहीं मैं कुछ लेना नहीं चाहती दिस इज फॉर यू ओह माय गॉड वो भी गोल्ड की है ओह माय गॉड क्यों नहीं रखना चाहेंगी no. क्यों प्रॉब्लम क्या है आपको मेरे इसमें चेन अच्छी नहीं लगती चेन उठा कर ले गया तो चेन के चक्कर में रिंग अच्छा सुनो पहले उठा कर तो हम ही ले जाएंगे कोई और नहीं उठा के ले जाएगा बॉयफ्रेंड है आपका सच बताओ ना मुझे आपसे शादी करनी है मेरा बॉयफ्रेंड है तो छोड़ो ना उसको छोड़ दो ना मुझे ज्यादा अच्छा हूं उसको क्यों छोड़ दूं मैं ज्यादा अच्छा लड़का हूं ना आप कैसे खा रहे हैं मैं खा रहे हैं फिर मैं नहीं खाऊंगा आप ये मत खाइए मैं तो कह ही रही हूं अब इतना भाव क्यों खा रही है ये बात सही बोली ब्रो अच्छा मुझे डेट करना चाहोगे मुझमें टैलेंट बहुत है देखो मैं तुमको बताऊँ मुझमें क्या क्या टैलेंट है अबे सुन तो लो कोई वर्ड बोलो फिर बताऊँ अब ये तो मतलब भाव खाना हुआ कि नहीं यार नहीं बंदे का टैलेंट तो देखो बंदे में क्या एक्सपीरियंस है हार्डवेयर देख करके सॉफ्टवेयर का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए चलो कोई वर्ड बताओ तुम क्या बेजुबान हो तुम्हारी जुबान हम समझते हैं तुम क्या बेजुबान हो तुम्हारी जुबान हम समझते हैं
और छोरी हरियाणवी हो ना, दिल और धड़कन दोनों हम समझते हैं। वो अलग बात है, तुम्हारे नखरे बहुत हैं, उठाने में भी हम माहिर हैं। एक बार कहिए तो सही, तुम्हारे करीब आ जाएंगे और सिर्फ तुम्हारे हो जाएंगे। साला मना मत करना बे, दिल टूट जाएगा बे हमारा हर बात में। थैंक यू सो मच, घंटा हो जाएगा फिर यार, शादी नहीं करोगे हमसे? मैं करना चाहता हूँ। आपकी हॉबी क्या है? मेरा एक सपना है कि मैं किसी सीए को डेट करूं। पूरा हो जाएगा क्या? हाँ, हो सकता है। मना क्यों करूं? क्यों ऐसे बोल रही हो? दुनिया की सारी लैंग्वेज आती हैं। वो अलग बात है, तुम सीए हो, लेकिन चार्टर्ड अकाउंट सब जितने हैं ना, बहुत सारे हमारे अंडर में काम करते हैं। लड़कियाँ हो तो अच्छा लगता है ना। लेकिन दिल ना पैसों से नहीं खरीदा जाता, दिल को मोहब्बत से ही पाया जाता है। पैसों से बिकते तुम्हें मैं कब का खरीद लेता? ओ प्लीज बताओ, हम मुक्को मार देंगे। हम तुम्हें नहीं आपको मार देंगे। सच बताओ। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ कर आसमां क्यों देखता है। मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहाँ देखता है। कनीज हो या शहजादी हो, इश्क कम वक्त कब खानदान देखता है। क्या वो तो बिगड़ ही जाता है हुस्न का, क्या वो तो बिगड़ ही जाता है। नियत और ईमानदारी दिल में होनी चाहिए, तब मजा आता है। मोहतरमा जी, आप हमारी दोस्ती कबूल करें, इतना भी बुरा नहीं मैं। दोस्ती कबूल है। अगर कभी अच्छा लगे तो बता दीजिएगा। बुलेट पसंद है आपको? हाथ मत छुड़ाइएगा। हाँ तो छोड़ दीजिए। अरे नहीं यार, बुलेट पसंद नहीं है। अच्छा, कभी अच्छा लगे तो बॉयफ्रेंड? नहीं, बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी मेरा। अच्छा लगे तब कभी? ढूंढ ही नहीं रहे हो। मुझे एक बात बोलनी थी आपसे। पूछिए। क्या बोलूं? वो कैमरा लगा है, एक बार आए करो ना, प्यार से करो ना, एक बार आए। नाइस टू मीट यू। तुम तो सही क्यों फील करती हो? कोई नाम दूसरी पर डालेंगे, जाओ बेटा, लड़कियों की कमी नहीं है, वो तो तुम पे दिल आ गया था। अदरवाइज 36 मेरे आगे पीछे घूमती हैं। 36 आएंगी, 36 जाएंगी मेरे जैसे। बट आई लव यू।